अप्रैल 2024 संपूर्ण भूमि उपचार भारत यात्रा में हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निवास पर। चलिए देखते हैं वो कैसे रहते हैं। ये उनका पूरा फार्म हाउस है उधर तक, है ना। ये सब पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और इनके पास पानी की बहुत कमी, पानी नहीं रहता। मतलब ये समझ जाओ कि मार्च अप्रैल मई जून में कोई पानी नहीं रहता है। और देखिए ऐसे, हाँ बहुत समस्या अकोला जिले में तो, इसमें औरंगाबाद में भी। उसके बीच में इतना हरा भरा और ये सब रखे हुए हैं और ऐसा बनाए हुए हैं और इतनी गाय पाले हुए हैं। देखिए जरा इतनी, ये देखिए इतनी 35-40 गाय इन्होंने पाला हुआ है। नक्षत्र वाटिका है ये पूरा, पूरे सभी नक्षत्र के पेड़ पौधे ये इसमें है। नक्षत्र वाटिका ही है, ये वाले सारे पेड़ इन्होंने यहाँ लगाए हैं। पूरे भारत की संपूर्ण भूमि जो है वो शुद्ध सजीव हो। क्या बात, बहुत सुंदर। आइए आइए दीपक जी, विदेश में है। अच्छा है ना, है अच्छा है। जी जी जी, स्वागत है। आइए ये करा दो पहले, कहाँ कहाँ से हैं। आशीष चौधरी नाम है, यूनिवर्सिटी रूरल डेवलपमेंट विक्रम सावंत, हाँ गंगापुर मालूम। सोलह एकड़ तो बहुत है। पैसे आते हैं बड़े आपके, क्या प्रोडक्शन है अदरक का पर एकड़? पर एकड़ क्या खर्चा है अदरक का? अदरक का अभी डिपेंड ऑन सिचुएशन, तो अभी पिछले साल का एवरेज 1 लाख रुपए खर्चा है साल, मतलब एक एकड़ में। अभी भाव ज़्यादा है तो बीज मिला के, भाव ज़्यादा है तो बीज का ही खर्चा ज़्यादा आता है 1 लाख का। अभी इस साल अगर लगाने का होगा तो अभी 10,000 रुपये भाव पर क्विंटल, एक एकड़ में 10 क्विंटल लगता है। 1 लाख का तो बिजली लग गया। हाँ अभी बिजली, और उस पर फसल प्रबंधन में क्या वो खर्चा? अभी है? वो फिलहाल 70-80 हज़ार रुपये, मतलब 2.25 लाख रुपए हाँ। तो केवल खर्चा है केवल। और कितना निकलता है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन अभी 100 क्विंटल, 150, 200, 250 निकलता। तो 100 क्विंटल कितने का हो जाता है? 10 लाख का होता है अभी इस भाव से। तो 2 लाख खर्चा करके 10 लाख रुपए अभी इस साल। इस साल 3 साल पहले 1200 रुपये 1500 रुपये पर क्विंटल था, और इस साल कितना रुपए? 10,000। तो एकदम 10 गुना अंतर है। तो रेट नहीं मिले तो साल अप डाउन शेयर मार्केट जैसे चलते रहता है। ठीक है, अपनी टेक्निक में 2 लाख का खर्चा नहीं होगा। 70,000 जो होता पहले साल हो सकता हो जाए, सेकंड साल तो बिल्कुल नहीं होगा। 20-25 हज़ार में ही बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमारे यहाँ। जैसे एक पौधे में जो मैंने जो भूमि उपचार किए थे उनको, एक पौधे में लगभग 1.5 किलो का प्रोडक्शन आया था अदरक का। इस साल भी 600-700 ग्राम आया है। उसमें ज़्यादा से सड़ और मर जो रोग रहते हैं वो कुछ नहीं आता। अभी मेरा एक वीडियो देखना, एक भी पौधा मरा हुआ, एक भी पौधा नहीं पूरे 4 एकड़ में। और पूरी ऊंचाई जो है लगभग छाती इतनी ऊंचाई थी। चलो वो करना। TCBT कितना समझ गए अभी? फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छे से समझाता हूँ। आपका? मेरा नाम वरुण मनीष शर्मा, मैंने लगा हूँ। सी ए इंटर की शिक्षण चाहिए, सी ए कर रहा हूँ।
तो इतना है कि लोगों से जाना, बार बार मिलना, बात करना, मान लो किसी ने आपको जो है नहीं दिया, भाव नहीं दिया, तो उसको फिर से कैसे है, इतना पेशेंस का काम है। पेशेंस तो है लेकिन सीखना है चाहिए। सीखना है। क्या उम्र है आपकी? अभी 21 रनिंग। अरे वाह, इतनी कम उम्र में इस दुनिया में आ गए हो, है ना। 30-35 साल में तो बादशाह हो जाओगे। क्या पढ़ाई क्या हो गई? सी ए चाहिए। किस ईयर का हो गया? उसमें भी रहता है 4 साल का। सेकेंड ईयर में 3 साल का रहता है। सबसे पहले तो जो जिसको खूब बोलना है उसके अंदर दो तत्व चाहिए, एक आकाश और दूसरा नील। आकाश तत्व तो आपकी आवाज़ को बढ़िया करता है, ठीक है, और नीर जो है हमको कंटिन्यू बोलते रहो दिन भर, कोई दिक्कत नहीं। तो करो, अभी हम चेक करेंगे आपका आकाश कितना, नीर कितना। पहले हमको फिजिकल स्ट्रांग होना है, फिर उसके बाद फील्ड में जाना है। हम ही कमज़ोर रहेंगे तो कैसे होगा? और पानी की कमी तो दिख रहा है, वो सूख रहे हैं आपके हाथ, दिखाओ जी। मैं और चेक करता हूँ। भूमि घटा है आपका, गगन भी घटा है आपको। कभी कभी वहाँ दर्द होता होगा हार्ट के पास, इस उम्र में हार्ट में दर्द शुरू हो गया, दिल का दर्द शुरू हो गया आपका, ये गंभीर बात है, ठीक है ना। हाँ कि ना, दर्द होता है ना, बहुत जो है गंभीर बात है, आपको इसको ठीक करना है। कभी भी जो है दर्द होना बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर आपको वायु दोष भी है, गैस खूब बनती है। अब गैस बनेगी तो किसी से मिलने की इच्छा ही नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर कफ भी बहुत है आपके अंदर, कफ बनता है, कफ बनता है कि नहीं। फिर पानी की भी कमी, तो आपके पांचों के पांचों महाभूत माइनस हैं, फिर भी सुंदर दिख रहे हो आप। सोचो, हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है और पांचों ही हमारे माइनस में चल रहे हैं। भूमि भी घटा मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन नहीं है। गगन घटा मतलब हार्ट को ये जो ब्लॉकेज है ना वो आ रहे हैं, हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। फिर वायु घटा, गैस बन रही है पूरे समय, बनते ही नहीं बन रही। फिर कफ बनता है पूरे समय, अग्नि घटा हुआ है, ठंड में तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको, तो दिन भर प्यास लगती है आपको और पानी पीते हो सब यूरिन जाता है। हाँ कि ना, मेरी हर बात सही है? सही है। मैंने पूरा डायग्नोस सही किया, इसी के गुरु दिया। तो पहले आप शरीर ठीक करो, फिर मार्केटिंग करना, ठीक है, और हम बता देंगे कैसे ठीक करना। चलिए, आपका परिचय? योगेश जाते गाँव जाते का कॉलम करता हूँ, कम से कम रासायनिक खाद यूज करते। अभी पीसी बी टी कुछ सुने हो पहले? बात सी में आए हो? आपका भी बच्चे बता दो। किरण बहुत सर सुन, आपका अजय चंद गौल जी। हाँ, क्या नाम आपका? अजय चंद गौल। अजय चंद गौल, चलो ठीक है, पटेल चंद, बहुत बढ़िया। आपका? मेरा नाम सुरभ। मेरे को नहीं, मतलब सबको ये भी आए हैं ना, इनको बताना है। दीपक जी सुन नहीं रहे हो आप? जी, मेरा नाम शुभम मस्के और मैं गंगापुर को रहता हूँ। मेरा गाँव रंजन गौर है और इस बार मैंने खेती में शुरुआत की है, पूरी तरह जैविक तरीके से मैंने अभी प्याज लिया है, पर पूरी तरह TCBT से नहीं हुआ, सिर्फ मैंने जैव रसायन की इस्तेमाल की। इतना वो सलेह से बहुत दिन से जुड़े हो, ये दिन आपकी जो कछुए की चाल है, पहुँचे ही नहीं पाए हो, TCBT कम्प्लीट ही नहीं कर पा रहे, करोगे तब है। इनका कृषि केंद्र भी है, कृषि केंद्र भी है। सबसे पिछड़े जो है कार्यकर्ता में ये है, कई दिन से जुड़े हैं, कई सवाल कर लिए हैं, लेकिन घर से ही नहीं निकल पा रहे। तो जब घर से निकले नहीं तो मंजिल में पहुंचोगे कहाँ? हाँ कि ना। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा, हाँ जी बताओ, आपका भी परिचय? आनंद आजाद, पंडरपुर से। अच्छा, खेती करते हो? खेती करते हैं। हाँ, यहाँ सामने बैठो, आके ऐसे सामने जाओ, इधर। तो अभी क्या है, पिछले सीजन में अपने को लगभग 22 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिला है। कितनी? 22। बिना जुताई की गेहूं में 32 क्विंटल गेहूं भी उपज आई है। किसान ने केवल फेंक दिया और सिंचाई शुरू कर दी,
कोई जुड़ता है। आज जो शाम का कार्यक्रम उसमें वो शादी में जा रहे जो मठ में काम करने वाले वो मठपति भी शादी में जा रहे हैं, वही गांव के बड़े आदमी की शादी है। किसान की संख्या बहुत कम आएगी, नहीं के बराबर। तो उन्होंने महाराज जी ने रिक्वेस्ट किया है कि कल सवेरे जल्दी भी हो सके, 7 बजे 8 बजे। हाँ ठीक है, तो तय कर दो। तो उनको बोल देते हैं। हाँ बोल दो, 8:30 तो नए हो थोड़ा समझ लो। आप भी मेरे साथ पहली बार है ट्रेनिंग में? नहीं अभी तो 2-3 की है। मेरी ट्रेनिंग? अच्छा। फकीर चंद जी तुम भी आ चुके हो? ठीक है। मस्के जी तो हैं। थोड़ा आज कंसेप्ट समझो जरा। पिछले सीजन में 32 क्विंटल रिकॉर्ड प्रोडक्शन बिना जोताई गेहूं में आना छोटी बात है? अदरक का भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन कितना है, पर गजब का प्रोडक्शन है, पूछा नहीं मैं कितना है क्योंकि शायद खोदे नहीं हो, पर 6 फुट हो चाहिए अदरक की, जबरदस्त बिल्कुल घसा हुआ, अंदर घुसेंगे तो दिखेंगे नहीं ऐसा, हरी कच्च, कोई बीमारी नहीं पूरे समय तक, ठीक है। और इसके अलावा धान का 35 क्विंटल बासमती में आया, कितना धान का, क्यों घर से निकल गए? श्रद्धा वानम लगते ज्ञान, इस किसान का आया हो कितना बड़ा, उधर पंजाब मुक्तसर साउथ पाकिस्तान बॉर्डर का किसान, ठीक से हिंदी भी नहीं समझ रहे लेकिन करना था उनको, मतलब चावल ही। हाँ चावल, बासमती ज्यादा नहीं आता, 10-12 क्विंटल आता है। तुम जो कपास की बात करो वो भी 14 क्विंटल आया पिछले सीजन में, और उन्हीं का कपास आया जो TCBT करे, बाकी तो खत्म ही हो गए कपास, कोई बीमारी नहीं, एक सुंडी नहीं। गन्ने का भी बहुत शानदार प्रोडक्शन आया। तो अगर आप TCBT कर रहे हो, पंचमहाभूत कृषि बोलता हूं तो रिकॉर्ड पर, शंका नहीं करना, क्योंकि अगर दिमाग में शंका है तो आप निकल ही नहीं पाओगे घर से। शंका दो तरह के, एक तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसकी शंका, शंका चाहे मैं खुद का हो, जैसे अभी निकले ही, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो शंका आ गया ना। अब वहां श्रद्धा रहते हुए भी आप जो है नहीं कर पाओगे। दूसरा ज्ञान पर शंका, होगा कि नहीं होगा, यार इतना हम यूरिया DAP डालते हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। दो, आप घर से निकल गए तो व्यवस्था हमें करना है, लेकिन व्यवस्था पूरी नहीं हुई, तो प्लांट तो व्यवस्था मांगता है ना, उसको चाहिए खुराक, नाइट्रोजन पूरा चाहिए, फास्फोरस पूरा चाहिए, पोटास पूरा चाहिए, जिंक पूरा चाहिए, ठीक है। हरा भरा स्वस्थ रहेगा तभी पौधा देगा, तो व्यवस्था से, तो हमने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की पूरी व्यवस्था करना है। अभी रासायनिक में ऊपर से दे रहे हैं, जैविक में भी ऊपर से करो, पहले साल क्या करो, जैविक में भी ऊपर से करो पहले साल, दूसरे साल फिर प्राकृतिक व्यवस्था में करो ऊपर से 10-15% करो, तीसरे साल टोटल प्राकृतिक बिना जुताई की खेती, जो मैं हर बार बोलता हूँ ना वो, और तो आज कुछ किसान उस स्टेज में पहुंच गए हैं, बिना जुताई की खेती हो रही, मतलब कोई सरल बात है क्या? फिर हमेशा पौधा हरा भरा रहेगा तो काम करना पड़ेगा क्या? नहीं। एक किसान है मेरा राजस्थान में, उसको 13.5 क्विंटल मूंगफली आई, जबकि पूरा वहां फंगस भयंकर है, इनका भी फंगस से लगभग, और बारिश जो है मतलब 1.5 महीने बारिश नहीं हुई, फिर बारिश हुई तो फंगस भयंकर आया, उमस बन गया ना बहुत ज्यादा, तो इनका भी पौधा झुलसने लगा, लेकिन फिर जैसी बारिश के बाद जो है फिर अपने आप वो पौधा ग्रो करना शुरू हुआ और फिर हरा भरा हो गया 7-8 दिन में। तो इनको लगा था क्योंकि 2-3 दिन के लिए पौधा झुलसा था, तो हमारी भी उपज नहीं आएगी, लोगों की आई 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल एक बार, इसकी 13.5 खोदे ना तो अंदर से फली फली, और देखना मैंने हाथ में ऐसा रखा है, ऐसा वो वजनदार खनक है, काम किया, दंडवत हो गया किसान, बोले गुरुजी ये सब अग्निहोत्र और आपके फार्मूलों की और कुछ उत्पादों का है कमाल। तो सबसे पहले अभी मैं जिस खेत में जिसके यहाँ था 65 एकड़ की खेती, उसके छोटे छोटे पत्ते थे बोगनविलिया, मिट्टी नहीं गई, केला तो पूरा खत्म था, ग्रोथ ही नहीं कर रहा था, मिट्टी नहीं गई,
तो नेगेटिविटी पहला है, उसको जब तक ठीक नहीं करोगे, सर पटक दो आप, इजराइल के खाद डाल दो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिट्टी हाथ में रखने से ताकत घट जा रही है, छोटी घटना की बड़ी, 24 घंटे पौधे वहां जो है खड़ा है। तो पहले पॉजिटिव करो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बिना पॉजिटिव किए, और पॉजिटिव कैसे करना, रोज प्रार्थना से भी हो रहा है, प्रतिदिन प्रार्थना करो, देखो कमाल होगा। आप प्रार्थना करो, हे धरती माता, पूरा धरती आपकी, पूरी खेत का स्मरण कर लो, मेरे सीताफल के पेड़, मेरे जो है नक्षत्र वाटिका के पेड़, हे धरती माता, यह भूमि मेरे इन पेड़ों के भोजन के लिए उपलब्ध है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य में मदद करें, ईश्वर से टीका लगाओ। फिर अग्निहोत्र प्रतिदिन करो, इसका भस्म चलाओ, ड्रिप से चलाओ, जो है 5000 गुना बैक्टीरिया बढ़ते, ऐसा एक जर्मन साइंटिस्ट का है अग्निहोत्र भस्म का कमाल, 5000 गुना तो जीवाणु। लॉकडाउन में हमने 1100 तरह के जीवाणु आइसोलेट किए, कितने, हाँ जिस पेड़ के नीचे गए वहीं एक कुछ नया सा जीवाणु मिला, हमने जंगल जीवाणु भूमि धन इस नाम से लॉन्च भी किए, बस एक एक लीटर डाल दो, और कैप्सूल कल्चर में भी वो सब जो है ना 1100 तरह के जीवाणु एक बार डेवलप करके डालो, कैसे डालोगे निखिल जी आपको बता देंगे, मान लो इनका नंबर लो, ये आपको इनसे रोज बार बातचीत करो, ये बताएंगे आपको कैसे बनाना डालना। शुभम जी को कुछ पता है, जीवाणु डालो, पर जीवाणु डालने के साथ अणु उनका भोजन भी डालो, जिंक का जीवाणु को जिंक चाहिए, सल्फर का जीवाणु को सल्फर चाहिए, आयरन के जीवाणु को आयरन चाहिए, तो आयरन होता है लाल मिट्टी में, सल्फर होता है सफेद मिट्टी में। तो एक जो है 2600 का किट है भस्म रसायन किट, वो बनाओ और उसको डालो, ड्रिप से चलाओ, न्यूट्रिशन तो चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, बैक्टीरिया को भी चाहिए, हाँ कि ना, तो देना ही पड़ेगा। या तो लाल सफेद मिट्टी डाल दो, उससे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा पौधे को और बैक्टीरिया को भी, या तो ये छोटा किट का भस्म रसायन चलाओ, फिर देखो पौधे में कैसे कमाल होता है, क्योंकि व्यवस्था चाहिए ना, आपके सोचने से तो होगा नहीं, व्यवस्था चाहिए, ये भौतिक प्रक्रिया है। तो अणु दो, लाल सफेद मिट्टी डालोगे तो भौतिक स्थिति मिट्टी की भी बदलेगी, जैसे हमारे शरीर में जो है 5 ग्राम खून होना चाहिए, 5 ग्राम आयरन होना चाहिए खून में, अब खून हम यूज नहीं कर रहे आयरन का, पर वो आयरन पकड़ के रख रहा है सबको, उसकी कमी होती तो हमारी कमजोरी हो जाती है। तो ये इसलिए कमाल कर रहा है, ये मिट्टी वाला पूरा कंसेप्ट ना कमाल, जब मिट्टी कमाल कर रहे तो हमने दुनिया भर की मिट्टी, हमने लावा मिट्टी भी डाली, ज्वालामुखी मिट्टी, गजब का रिजल्ट, गजब का। आप डाल देना अदरक वगैरह में, देखना फिर कमाल कैसे होता है, 1 क्विंटल डाल देना, अदरक की साइज बढ़ जाएगी, ये बड़ी बड़ी, और मतलब अलग से उसमें ऐसा जैसी तोड़ोगे ना अदरक की खुशबू आ जाएगी, क्योंकि जो धरती के गर्भ से निकला है जो लावा, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे कि नहीं होंगे, तो हम मिट्टी डालते डालते वहां तक पहुंच गए, रसिया से ज्वालामुखी मिट्टी इंपोर्ट भारत लाके किसानों को दे रहे हैं, घर तक पहुंचा के, एक बार डाल के देखो। फिर गोवर्धन खाद में हमने ये जो है सारे ऊर्जा अणु जीवाणु तीनों मिक्स कर दिया, यहाँ गोवर्धन खाद भी आप बनाइए, एक बार बना के दो तो सही लोगों को, खर्चा होता है बनाने में 400-450, मतलब ऐसे खाद बन गया गोबर बन गया और हमने किसी को दे दिया ऐसा नहीं है, होता है उसमें भी खर्चा, इसलिए वो 550 में दिया जाता है, जब बनाओगे तब समझ में आएगा, पर एक बार डाल दो जरा, खरपतवार उगने बंद हो जाएंगे। अभी मैं गया 90%, और अभी मेरे अहमदाबाद में जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें तो एक और घटना घटी, मोथा कास कुसा मोथा तो उगने बंद हो गए, उनके यहाँ जो है एक भाजी खाने वाली भाजी होती थोड़ी चौड़ी पत्ती हल्की सी खट्टी होती वो भाजी, वो 10 साल से उगना बंद कर दिया था। उस किसान ने बताया जब से मैं टीसीबीटी कर रहा हूँ तो कास कुसा उगना बंद हो गया और वो भाजी उगनी शुरू हो गई जिसको हम खाते थे चाव से, बताओ क्या कमाल हो रहा है, खरपतवार छोटी समस्या है क्या खेती,
बड़ी समस्या खरपतवार रुकने का, गोवर्धन खाद को। फिर इसके बाद अगला काम क्या है? अगला काम है तुलसी काढ़ा बनाना। तुलसी काढ़ा बनाना, केवल तुलसी उबालना, और मेरे को और इसको तुलसी काढ़ा चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमको जो है कि जीवाणु तो देना, अणु भी देना, फिर अणु के बाद है ऊर्जा। ऊर्जा है दरअसल सबसे पहले है। ऊर्जा क्या है? तरंग, हर चीज के तरंग है, पेड़ों का तरंग है, समझ रहे हो, आपके कपड़ों का है, आपकी भी तरंग है। और आपकी दो तरंग है, एक तो शरीर का, जैसे शरीर अगर कमजोर होगा तो उसकी तरंग तो समझ में आएगा, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब सोखने वाला हो सकता है, और सोच का भी, क्योंकि मन अपने आप में सेक्रेट है, उसका भी तरंग होता है, समझ रहे हो। और जैसी आपकी सोच होगी आपके शरीर में हाव भाव परिवर्तित हो जाएंगे, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो देख लेते हैं क्या सोच रहा है, धीरेन शास्त्री जी बता देंगे अभी क्या हो रहा है, वो तो उसके ऊपर चलेगा, सिद्धि मिल रही है, समझ रहे हो। तो तरंग, अभी बताओ जैसे मान लो ये फोन का है, तो इसका तरंग होगा कि नहीं होगा? अब इसका तरंग हमारे लिए लाभदायक होगा कि हानिकारक? तो हानिकारक है। प्लास्टिक का हानिकारक, सबके तरंग है। अब कौन का तरंग कितना पावरफुल, जैसे ये पेड़ है पीपल का, इसकी तरंग इतनी पावरफुल, यहाँ आपको उसका लाभ मिलेगा। क्लियर है? तो हमने आज तक खेत में निगेटिव तरंग वाले गोबर डाले, खाद डाले, रासायनिक खाद, जहर डाले, उनकी तरंगें क्या है? निगेटिव, खराब, डिस्ट्रक्ट करने वाली, तोड़ने वाली। तो हमारी फसल अच्छी होगी क्या? तो अभी तक कच्चा गोबर डाला वो खराब, जो केचुआ डाला वो दुर्गंध खाने वाला केचुआ है, तो उसने हमारे सुगा अच्छा गोबर को खा के वो दुर्गंध वाला कर दिया, उसकी तरंगे खराब कर दी, हाथ में रखे ताकत घट जाएगी। तो हमने सुगंध वाले खाद बनाए, गोवर्धन खनिज खाद, गोवर्धन सजीव खाद। फिर हमने जैव रसायन बनाया फलों का, कि जो है 25-30 किलो फल ले लो, 150 लीटर पानी ले लो, 10 किलो गुड़ डाल दो और चलाओ, 200 लीटर जो घोल तैयार होगा, हर सिंचाई में 20-25 लीटर, फिर देखो फसल कैसे भगती है, तो गजब का। तुम तो ये पौधे में कर लेना, एक पौधे में डाल देना, हर तीसरे दिन थोड़ा डालना, बस 5-5 मिनट देखना, वो पौधा चौड़ी चौड़ी पत्ती हो जाएगी, एकदम खिलखिला जाएगा। मतलब अगर मार्केट वालों को पता लग जाए तो इसी को 1 लीटर डिब्बा में बेच देंगे, तो रिजल्ट तो है ना भाई। और जो रिजल्ट बाजार में बिकता है, पर मैंने आपको फार्मूला बताया, बनाओ जाए रसायन जाके, क्योंकि 90 दिन में बनता है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है। और ऐसी अन्न द्रव्य बनाए, ये जड़ बढ़ाता है, ये लंबी लंबी जड़ कर देगा, चावल से बनता है, 2 किलो चावल को पकाओ, पकते समय गुड़ डाल दो 200 ग्राम, मटके में डालो, मटका पुराना होना चाहिए, नया नहीं, या तो पानी में डुबा के रखो 4 दिन पहले मटके को, मतलब उसमें रंध्र छिद्र हो जाना चाहिए, मतलब पानी सीपेज हो जाना चाहिए, फिर उस मटके में डालो, उसको बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, कोई मीठे पेड़ जो है जिसके फल नीचे गिरते हैं, महुआ, उसके नीचे गड़ा दो, 7 दिन गड़े रखो, फिर उसके बाद उसका पूरा निकालो, उसमें थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाओ, गुड़ डाल दो 2 किलो, और सबको किसमें डाल दो, पानी में 200 लीटर, 7 दिन वहाँ रखो, 7 दिन वो मटके में रहेगा और 7 दिन ड्रम में रहेगा, फिर डाल दो, देखो ऐसे, मतलब ऐसी जड़ें आती, कुछ पूछो मत। माइकोराइजा 5000 IP का है, उसमें बाजार में 1700 का आता है, और ये 200 लीटर कितने का बना? 2 किलो गुड़, 2 लीटर, 2 किलो चावल, और 200 लीटर बना, सोचो लो, 200 लीटर इंटू 500 कर दो, कितना हो गया? 10,000 का माइकोराइजा आपके घर बन गया, लागत क्या है? 100-200 और जबरदस्त, केले वेले में तो ऐसा जड़ बढ़ता है, कुछ पूछो मत, सब चीज़ चावल कौन सा भी चलता है? हाँ, बढ़िया चावल हो, अच्छा से अच्छा चावल हो, पंच महाभूत को। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ते फार्मूले, ऐसे बहुत से फार्मूले, अन्य द्रव्य बनाओ, जैव रसायन बनाओ,
भस्म रसायन बनाओ मटके में करके, 2600 का खर्चा और बन जाएगा 10,000 लीटर घोल बनेगा उसे स्प्रे के लिए। करो ना 50 एकड़ में स्प्रे, कोई खर्चा है क्या? हर तीसरे दिन करो फसल, अगर हर तीसरे दिन फसल तो अद्भुत हो जाता है, एकदम पत्ती चौड़ी चौड़ी एकदम ग्रीन। भस्म रसायन में ये जैव रसायन मिला दो, सडरस मिला दो, छाछ और आंवला, 10 लीटर छाछ में आंवला को चल के डाल दो 1 किलो, या जो है 25-50 ग्राम पाउडर डाल दो, 8-10 घंटे रखो फिर देखो। एक और फार्मूला छाछ द्रव्य रसायन, 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल दो, 21 दिन रखो। 6 महीना का एक ने भेजा, वो भी खराब नहीं, उसमें भी सुगंध आ रहा है। 6 महीने का सुगंध छाछ कहीं देखे? सुगंध आ रहा है 6 महीने वाले में भी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये जब बनाओगे डालोगे तब आपको परिणाम आएंगे, ठीक है? तो मैं फार्मूला पीडीएफ दे दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ कैलेंडर बुलाए, तुमने बुलाए कैलेंडर? कैलेंडर मैंने नहीं बुला पाए। अच्छा नहीं। तो ये कुछ लग के करवाओ, फिर इसका फूड बेचो, ठीक है? तुमको मार्केटिंग करना है तो ये भी जो है ये सारा चीज बनवाओ, लोगों को दो, मेहनत करोगे तो पैसे तो आएगा ना, आपका मेहनत का पैसा तो उसमें जोड़ के ही दोगे ना। कैलेंडर लाना है? हाँ हाँ ले आओ ले आओ, 4-6 कैलेंडर ले आओ ना, आपको 100 रुपये शुल्क दे के ले लेना, कुछ कैलेंडर लेके आए हैं। तो ये हो गया। एक जो है मेरी पिछली ट्रेनिंग में एक सीए आया था, उसने उसकी हल्दी और गन्ना बहुत जबरदस्त, बहुत खुश था वो, नाम की ध्यान नहीं है, मेरे यहाँ की ट्रेनिंग में सतारा की ट्रेनिंग है जहाँ ये अदरक बहुत अच्छा हुआ था। 3 साल से मैं अदरक के साथ में हल्दी भी लगाता हूँ, तो हल्दी 3 साल से हल्दी खाने के लिए खरीदती नहीं है, घर पर बनाती है। लेकिन वो पंचमहाभूत पूर्ण हो, सडरस युक्त तो, न्यूट्रिशन हम खा तो रहे हैं पर न्यूट्रिशन डाल दीजिए। हाँ मतलब डाला इससे भी। हाँ तो आप ये सब टीसीबीटी करो प्योर, और पूरे केमिकल के जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर सबका सब्स्टिट्यूट है अपने पास। जैसे 1919 बाजार में आता है अपना जो है नैनो पार्टिकल एनपीके है, आप एक बार एनपीके डाल दो नैनो पार्टिकल, इधर 1919 चलाओ, ये 4 दिन में फसल में इसका प्रभाव खत्म, ये तो चलेगा 1 महीने, इतना प्रभाव। हमने अभी सोने का भी फर्टिलाइजर बनाया, स्प्रे कर दो खाओ स्टेमिना बढ़ जाएगा। चांदी का बनाया, अब जैसे आपको चर्म रोग हो रहा है, चांदी क्या है फंगस को खत्म करता है, पहले तो पौधे का करेगा फिर उसका प्रोड्यूस खाओगे तो आपके शरीर का कर देगा। चांदी का फर्टिलाइजर बनाया, कॉपर का बनाया है नैनो कॉपर कॉन्टेक्ट। तो सारा मतलब केमिकल खेती का पूरा विकल्प है, इसी बीच 100% कहीं नहीं जाना, खाद के लिए ना दवा के लिए। अब जो बना सकते वो हम बता रहे हैं, जो नहीं बना सकते वो दे रहे हैं। जैसे 1100 कैप्सूल, तो आप कैप्सूल नहीं बना सकते, करोड़ों रुपए का इसके लिए वो चाहिए भाई, कैप्सूल तो कैप्सूल बनेगा, लाइफोलाइजर मशीन में बनता है, तो दे दो उसको ग्रो कर लो। 2600 में 10,000 लीटर बनता है, एक बार डालो तो सही है ना। क्लियर हो रही मेरी बात? कंसेप्ट क्लियर होगा कि अभी तक खेती में जो न्यूट्रिशन सोचा नहीं दुनिया ने, जैसे ज्वालामुखी मिट्टी डालना किसी ने सोचा क्या? हम डलवा रहे, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप नैनो सिल्वर डालो, कोई सा फंगस हो चाहे जड़ का हो चाहे पत्ती का, खत्म होना ही है। अब कहोगे साहब हमें तो आप ऐसा बताओ नीम कंजी का डाल दे और इससे हो जाए, अब एक बार डाल के देखो, बहुत रेजिस्टेंट ले चुके हैं, नहीं डालने वाले, अब तो नीम में ही फंगस आ रहा है, कीट आ रहा है, क्योंकि आकाश तत्व की बहुत दुर्गति हो गई अभी। एक बार ये डाल के साइकिल कंप्लीट कर लो, फिर आपकी मिट्टी में ये पड़ गए, समझ रहे हो, आपकी मिट्टी में ये आ गए तो फिर क्या है, फिर उसके बाद वो साइकिल में आ जाएगा उसके। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं जिंदगी भर डालना, उसके सिस्टम में आने तक करो यूज, ठीक है? तो ऊर्जा अग्निहोत्र से जाएगा, प्रार्थना से होगा, फिर अणु लाल सफेद मिट्टी,
समुद्री खनिज, गोवर्धन खनिज खाद, ज्वालामुखी मिट्टी, ठीक है। जीवाणु, जीवाणु जल से, जंगल जीवाणु, भूमि धन डाल दो। एक और फार्मूला हाई सी एन रेशियो, उसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप यहाँ बनाओ हाई सी एन रेशियो को। कोई आएगा ना तो उसको जो है ना 5-10 लीटर पकड़ा के दे देना, वो कहना भैया इसको 4 बार स्प्रे कर दो, 2-2 लीटर प्रति एकड़, और दूसरे दिन कहेगा मेरे को बनाना है। उसमें नाइट्रोजन है 4-5% तक चला जाता है, कार्बन जाता है 52% तक। एक अभी किसान है मेरा मनीष बाफना, कहाँ का किसान है, महाराष्ट्र का ही है वो, इधर ही कहीं नागपुर से आसपास का कहीं का किसान है, उसने बना के डाला है, बोले सिंगल एक फार्मूला, उसमें सब कुछ है और ठीक है। हाई सी एन रेशियो, उसमें कार्बन है 50-60%, और वो कार्बन है जो फिक्स रहेगा। अभी जो भी कार्बन आप डालते हो ना पेड़ पौधों को काट कूट के, जैसे आपने ये जो है कपास की डंठल गड़ा दी, अगले साल गए आप वहाँ से उड़ के हवा में चला गया, मिट्टी में नहीं रहा। फिर एक अभी हमने विशेष एक बैक्टीरिया खोजा है, कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया, ये बड़ा अद्भुत है। अभी क्या है, मिट्टी से कार्बन रोज रोज उड़ रहा है, आप यहाँ बैठे वहाँ उड़ गया एक क्विंटल कार्बन जमीन का घुल के, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है तो वहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि कार्बन तो हवा की वस्तु है ना, उड़ के हवा में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिट्टी में बचा नहीं। ये क्या करेगा, उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, उसको उड़ने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। दूसरा, हवा के कार्बन को नीचे फिक्स करेगा, तो पानी की क्षमता भी, पानी भी ज़्यादा दिन टिकेगा, कार्बन बढ़ेगा, 2 साल में 2% कार्बन चला जाता है। तो अभी बैक्टीरिया के संसार में जो हमारे जो फार्मूले थे ना, जब ये हम इसकी खोज करने शुरू किए, तो अब 35 से ज़्यादा फंगीसाइड, मतलब फफूंद खाने वाले बैक्टीरिया और फंगस हैं। अद्भुत रिजल्ट, अद्भुत। एक बार पूरे मन से, चाहे छोटे जगह में करो, पर करके पूरा जब देखोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। और जब जैसे ऊर्जा जल डालने से मिट्टी पॉजिटिव होती, तो पूरे खेत में करो ना जी, क्या खर्चा है, आपके घर में बनाना है। जैव रसायन आप बनाओ, देखो कैसे ग्रो करता है। इनके अभी निकल गया तरबूज, ये बड़े बड़े तरबूज के, तो खरबूज अभी हम काट के खाए, ये बड़ा मतलब 2-2.5 किलो का, क्या हो इसने लग के काम किया। जहाँ 1 किलो का खरबूज आता है, इनका 2.5 किलो का निकल रहा है, ऑर्गेनिक में टीसीबीटी से। तो ये करो, मेरी 6-7 दौर की यहाँ मीटिंग हो चुकी है, पर रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊहा कोह में जी रहे है ना। किसी को लगता है भाई कि बिलजी भाई अपने फायदे के लिए बता रहे, बिलजी भाई व्यवस्था देने के लिए बता रहे, अब उसमें फायदा किसी न किसी को होगा। ये बताओ, आप मान लो ज्वालामुखी मिट्टी लाओगे, उसको ग्रो करोगे, बनाओगे, दोगे, तो क्या फायदा जोड़ के नहीं दोगे? फायदा होगा तो ही दोगे, तो ही दोगे। ये तो ये चैन सिस्टम है, नहीं तो चलेगा भी नहीं, वो काम ही नहीं चलेगा। आप खेती करते हो फायदे के लिए नहीं करते क्या? फायदे के लिए करोगे। आप जो उगाओगे तो उतने ही पैसे में तो दे नहीं दोगे, उतना ही मिलेगा तो नहीं करेंगे ना, फायदा होगा तो ही करेंगे, तो ही करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम ग्रो करने के लिए मैंने लोगों को काम दे रखा है, मेरा बहुत ज्यादा इंटेंशन है उसके, लेकिन विधिवत काम करिए और विधिवत जो है सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो पक्का 100% रिजल्ट आना, और बहुत जबरदस्त आना, बहुत ही जबरदस्त। अभी एक का फोन आया, सचिन नरोड़े का, बोले मेरे ही मौसम्बी है मेरे खेत में, पूरे एरिया में पूरे ड्रॉपिंग हो गई। पंजाब में इस साल, पिछले साल 7-8 क्विंटल किन्नू आए, और इस साल जो है पुरानी टहनी में फूल आ गए। किन्नू में भी जब तक नई टहनी नहीं निकलेगा फूल नहीं आता, पुरानी टहनी में, बोले ये तो कभी नहीं हुआ जीवन में, 30 साल में पहली बार देख रहे हैं। ये सब पीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि का कमाल। एक और काम करना, नक्षत्र पर लगाना है, कैलेंडर लेना और इसमें नक्षत्र लिखा है उसमें लगाने की कोशिश करना, और आगे चल के ये मैं खेती सिखाऊंगा आपको बिना जुताई। देखो इसमें जो है ये ब्राह्मी की मल्चिंग है, अब पौधा लगा तो बस कुछ नहीं करना, हर साल लगाते रहो, ये करते रहो बिना जुताई की। लगभग इस साल में कम से कम 20-22 फसल हम करेंगे, जैसे पिछले साल ये किए वैसा, ठीक है। चलिए मेरी बात समाप्त होता है, कोई आपके प्रश्न हो तो मुझे बताना। प्रतिदिन देखो, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, इसका भस्म खेत में चलाना ड्रिप में, ठीक है, इससे वायु बढ़ेगी, मिट्टी में वायु नहीं। दूसरा काम जो है अणु मैनेजमेंट, जीवाणु मैनेजमेंट का, जीवाणु डालना,
सजीव जल बना के डालो, पंचगव्य बना के डालो, जीवाणु जल बना के डालो, भूमि धन और जंगल जीवाणु एक बार लेकिन जरूर डालना। और हाइट ग्रब होगा तो ये जो है जीरो ग्रब। हमने अभी क्या है, जब हमारे पास बड़ी मशीनें आई ना तो हमारा जो मूल जो जीवाणु जल है उसी में निकाल निकाल के अलग अलग ऐसे कर रहे हैं। पर जबरदस्त, जैसे अभी निमोटोड पूरे भारत में बहुत बड़ी समस्या, केमिकल में नहीं जा रहा है, अदरक को भी सबसे बड़ी समस्या। आप निमोटोड जीरो टोड आप डाल देना, धुन मतलब खत्म ही हो जाएगा। जो पूरा निमोटोड खत्म करने का प्रोसेस है ना वो एक बार कर लेना। इसलिए अभी मैं क्या है बीमारी वाइज लोगों को बता रहा हूँ, निमोटोड है ये कर लो। अनार में भी वही समस्या ज्यादा आ रही है। साल तोड़ किया था अनार बोलते साल, वो किया था पिछले साल, अभी ये साल लगाना है तो लोग बोलते वो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, बड़ा होने के बाद मर जाएगा। निमोटोड तो निमोटोड का इलाज करें, मैं पीडीएफ में भेज देता हूँ इलाज, मैं अभी शेयर कर दूंगा निमोटोड कैसे खत्म करना। तो हमने क्या है वो सब जीवाणु ढूंढे हैं जो उनको खाते हैं, केमिकल से नहीं जाएगा ये। तो जीरो टोड नाम है, जीरो ग्रब कर लो, पूरा व्हाइट ग्रब गायब हो जाएगा और बीमार। तो हमने क्या है जब हमारे पास लैब हमको मिला, क्योंकि फील्ड में सबसे ज्यादा हम काम करते हैं और मैं साइंस पे भी काम करता हूँ इन जीवाणुओं पर, तो मुझे ये सब मिलते चले गए तो हम ये सब डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो बाजार में केमिकल में तो जाके लेते ही है किसान, ठीक है हाँ। लेकिन क्या होता है जैसे दूध में घी छुपा है, लेकिन काम नहीं करोगे, लैब नहीं लगाओगे, ये दूध से घी निकालने का लैब है कि नहीं है। मटका है, मथनी है, सुबह करना है, वो सब प्रोसेस है कि नहीं, गर्म करना, यही लैब है। बस वहां पर वो सब मशीने जाता है, बस ये सब क्या है करके हमने सब इंडिविजुअल डेवलप किया है। तो इसलिए सब ये ध्यान रखो, जीवाणुओं का भी अणुओं का भी पूरा करो, तुम तो करो कम से कम, ठीक है। तुम्हारी खेती है कहीं? खेती है मतलब अभी काम नहीं है। तो जिसको खेती है जो डिसीजन आपकी तो खुद की है तो करो, समझ रहे हो, इस साल लेकिन विधिवत करो। और भूमि उपचार का कल ही मैंने एक वीडियो डाला है पूरा, वो चाहे संपूर्ण भूमि उपचार के नाम से डाला है, वो पूरा संपूर्ण वाला भी कर सकते हो एक आधे एकड़ में तो भी करो, उसमें सब पूरा डलवा रहे हैं। मतलब बाहर की तालाब की मिट्टी भी डालो खेत में, चीरा भी लगाओ, मिट्टी डालो, फिर उसमें जो है ये लाल पीली सफ़ेद मिट्टी डालो, समुद्री खनिज भी डालो, ज्वालामुखी मिट्टी डालो, तिल की हरी खाद करो, तिल उगाओ, फिर तिल की हरी खाद करो, तिल गलाओ, और सितंबर में कोई सब्जी लगा दो जैसी बारिश थोड़ी कम हुई। ये जितना भी तुमने खर्चा किया है ना 25-30 हज़ार 35 हज़ार, वो एक ही सब्जी में निकल जाएगा, 5 लाख की निकल जाएगी, 10 लाख की सब्जी सितंबर में लगाओ तो अक्टूबर नवंबर में अच्छे रेट मिलते हैं। दिसंबर में फंगस पैदा करता है, उसकी डंडी रहती है ना, वो मैं एक किसान के यहाँ गया तो उसने एक तरफ ताग लगाया तो उसका जो है पपीता इतना बड़ा और मरे भी 25%, और जहाँ तिल लगाया वहाँ पपीता जो है 7-8 फुट का और उसमें फल लग रहे हैं। सेम पौधा सेम जमीन, बस इधर ताग इधर तिल, इतना अंतर है। वो गुजरात के किसान में डाला था यूट्यूब में। हाँ अभी गाय देसी गाय पालता हूँ, उसमें ज़्यादातर गोबर और गोमूत्र के ऊपर ही काम करता है, उससे थोड़ा 2% मिलता है, और मैं गोबर से केचुआ खाद बनाता हूँ, उसमें निगेटिव एनर्जी आपने बोला है। हाँ। उसके गोबर का दूसरा कहाँ यूज करें? देखो जिसको दे रहे हो उसका कभी भला नहीं होगा, तो आपके पास दोबारा डिमांड नहीं करेगा, जबरदस्ती बेचोगे उसको। वो क्या रिजल्ट दिखता है, जो केचुए मर जाते हैं या उनका पसीना उसके कारण थोड़ा रिजल्ट अमीनो एसिड होता है ना दिखता है, पर वैसा रिजल्ट नहीं जो जीवन भर का बार लंबे। तो आप उसको क्या करो, अपना जीवाणु जल डालो, उससे डिकम्पोज करो, केचुआ मत डालो, केचुए हटा दो, फ्लैट करो उसको, जो ज़्यादा गहराई होगी तोड़ दो, गोबर डालो उसमें, जीवाणु जल डालो, फिर उसमें जैव रसायन डालो, अन्न द्रव्य रसायन डालो, फार्मूला तो बता ही दिया मैंने, जीवाणु जल जैव रसायन अन्न द्रव्य रसायन है ना, थोड़ा सा आखिरी में भक्षक बी प्लस का घोल डाल देना, अब किसी को दे दो। और इसमें और अच्छा करना है, इसमें क्या करो कि आप जो है अपना जो थोड़ा थोड़ा मतलब 1 क्विंटल होगा तो 2-2, 5-5 किलो लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी डाल दो, और किसी को दे दो भैया, डाल दो, घोल के स्प्रे कर दो, नाचता है हो, अपने गोवर्धन खाद का इतना कमाल का रिजल्ट है।
आप ऐसा दो उसका रेट भी आप जो है ना 20 रुपए किलो भी बेचोगे हंस के दोबारा आएंगे लोग, क्योंकि 40 रुपए में उसको जो है 4000 का फायदा हो रहा है। अभी 40 रुपए का जो केचुआ खाद दे रहे हो कहाँ जमीन में घुस जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है, वो पता ही नहीं लगा हाँ आया नहीं आया। हाँ तो 40 किलो तो गारंटी से बोलना स्प्रे कर दे तो इसका खेत में, वो एक प्रकार का गोवर्धन खनिज खाद बन गया, तो बनाओ वो बेचो। अभी इधर बनाती है बनाए ना तो मक्का में भी लगाते हैं अपन, तो गाय के लिए चारा हुआ नहीं, मक्का ही ज़्यादा यूज़ होता है तो उसके ऊपर बहुत आ रहा है कीड़ा। देखिए कीड़ा इसलिए आ रहा है कि अब जमीन से कुछ मिल नहीं रहा है, जमीन कंडक खत्म, जमीन में आयरन नहीं, जिंक नहीं, मैग्नीज आना ही है कीड़ा, बीमार जो है न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है खेती में बहुत ज़्यादा इसके स्पोर आ गए हैं, तो दो तरह से काम, एक तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करो, ऊपर से इनकी स्पोर खत्म करने के लिए भक्षक वी प्लस का घोल का स्प्रे और जमीन में डालो, ये उसको खा जाएंगे, हमको दोहरा वार करना पड़ेगा आगे पीछे सब तरफ, समझ रहे हो। ये करो TCBT में बिल्कुल नहीं आता, अभी ओमकार राय जी ने मक्का लगाया 13 फुट मक्के की ऊंचाई आई थी, वो तो ओला गिर गए नहीं, और 3-3 मक्के थे उसमें, लाल मक्के में देसी मक्के में ये बने 3-3। अपनी टेक्निक में मक्के में आता है 3-3, इनके यहाँ ज्वार में वो लगाया था तो 5 गुच्छा आ गया था, खुराक मिल गया होगा। तो आप क्या है प्रॉपर काम करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करिए, लग के करिए, फुल टाइम काम है खेती, समझ रहे हो। हाँ हमने टेक्निक दी, हमें टेक्निक लाने में 15 साल लगे, आपको तो यहाँ बैठे हो चाय पीते पीते टेक्निक मिल गई, क्या एफर्ट्स लगा आपका, कुछ नहीं लग रहा। हमें तो ये ढूंढने में कि रिजल्ट एक एक समस्या, क्योंकि हमने समस्या पे काम किया तो समाधान ढूंढा, और अग्निहोत्र यहाँ तो 3-4 करवाओ आप, क्योंकि भस्म दो जबरदस्त चमत्कार, मैं भस्म भी लेके निकला हूँ, आप इतना भस्म ले लो ना एक कटोरी और या छोटा ना इतना सा भस्म लो, पानी में डालो, फिटकरी डालो, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलो, फिर छान लो फिटकरी अलग और गाद अलग, फिर उसको पीना है आपको, फिर देखो आपके पंच महाभूत ठीक कर देता हूँ मैं, पहले तो ऊर्जा जल पियो, ये फर्स्ट काम। दूसरा आपको क्या है गौमूत्र घनवटी खाना है, तो उससे तुम्हारी हाथ दिखाओ ये भूमि ठीक हो जाएगी, और गगन के लिए गौमूत्र अर्क दो इनको, और चूंकि ये कफज है तो पीले बॉटल का दो, वातज है तो हरे का भी दे सकते हो, वात में देना हरे का और कफ में देना पीले का, तो इनका पित्त बढ़ जाएगा, तो अभी हरे का दे दो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वात पित्त दो मतलब कैसे गौमूत्र जो अर्क है हरे बॉटल में धूप में रखो 7 दिन okay. फिर इनको दे दो पीने को। फिर इनका वायु गड़बड़ है तो एक तो ऊर्जा जल से गैस बनना बंद हो जाएगा, फिर इनको अमरूद का जैव रसायन दो, कौन सा वाला ये शहद वाला, 3 किलो अमरूद 1 किलो शहद 10 लीटर पानी 90 दिन रखो वो दो, जैसे ही पियेंगे इनको 25-50 दिन भर में डकार आएंगे, डकार समझ रहे हो गैस निकलना अंदर से निकलेगा, आपके माइंड में तक घुस रहा है वो भी निकलेगा। फिर इसके अलावा ये कफज है तो इनको काली मिर्च सोंठ पिपली तीनों को कूटो छाटो छानो, 100 ग्राम आपका जो है क्या हो गया त्रिकटू का पाउडर और 100 ग्राम शहद मिलाओ इनको दे दो, ये दिन में 3-4 बार चाटना है उसको, आप ये पित्त बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद पानी कम है तुलसी का काढ़ा पियो, हाँ 1 लीटर पानी में 20-25 पत्ते डाल के अच्छा उबालो, जब भी प्यास लगे तो पहले पानी पीना एक ग्लास, फिर उसके 1-2 मिनट बाद तुलसी का काढ़ा, फिर कुछ दिन बाद जो है पानी जब प्यास लगनी बंद हो जाए तो केवल तुलसी का काढ़ा पियो, 15 दिन कोर्स करो, आपके सारे पंच महाभूत फिट, समय से उठना समय से सब कुछ आप, क्योंकि अभी आप नौजवानी के दौर में इसलिए भी चल रहा है, नहीं तो 5 महाभूत घटे हुए हैं, चल नहीं पाओगे 30-35 साल बाद, हाँ डाउन ही रहेगी और पूरे समय आपका डैमेज हो गया ना शरीर टूट गया, आप तो उसको बनाने में, क्योंकि बनने का दौर 20-21 साल का तक ही रहता है, उसके बाद स्थिर रहता है 8-10 साल, उसके बाद टूटने का दौर शुरू हो जाता है, अब टूटने के दौर में बनने का कहाँ से होगा, 20 साल बाद कोई बढ़ता है क्या, 1 इंच भी नहीं बढ़ता।